Hello dear students, welcome to our study unit. Today we are now going to start a new type of questions in our 12th standard chemistry. जैसा आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि अब से हमने लास्ट लेक्चर से कुछ सीरीज स्टार्ट कर रखी है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं या फिर आपके प्रैक्टिस पेपर हैं उनका हम वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम बढ़ने जा रहे हैं अपने पेसिस टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। और पेसिस टाइप क्वेश्चंस ये बेसिकली आपके इंग्लिश और हिंदी वाले पेसिस नहीं होते, इनके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं कभी इनके अंदर से छांटना होता है। हमको जनरली यही बताया जाता था कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो आपका अनसीन या फिर सीन पीसेज होता है उनके अंदर से कुछ लाइन हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है और उन्हीं को वहाँ पर डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जैसी चीज़ें बोली जाती हैं उनके पीछे बहुत सारा लॉजिक और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, तभी आपके पास ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अन्यथा आप मार खा जाओगे। ठीक है, तो आपका अपने के सिलेबस के अंदर जो 31st और 32nd क्वेश्चन होगा आपका, कौन सा नंबर होगा, 31, एक तो 31 होगा और दूसरा कौन सा होगा, 32। ये दो क्वेश्चन आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के होंगे, दोनों 4-4 मार्क्स के। कितने के होंगे, 4-4 मार्क्स के। दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा अपना, 8 मार्क्स का। ओके, सो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड स्टार्ट विद अवर पेसेज। पहले इसको रीड करते हैं थोड़ा सा, क्या बोला है इसने, क्या नहीं बोला है। टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरियस थ्योरीज वर प्रपोज्ड। आपको सभी को पता है कि बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, पहली आपकी वीवीडी थी, दूसरी आपकी कौन सी थी, फरर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और तीसरी कौन सी थी आपकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। चलो ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी आपकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट द सेंट्रल मेटल आयन इज द कॉम्प्लेक्स मैक्स वेरिएबल नंबर ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद सुटेबल लिगेंड्स। ओके, द एप्रोप्रिएट एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव एट साइट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स टू डिफाइन ज्योमेट्री। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी आइदर इनर डी ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा, आउटर डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी पूछते हैं आपसे, यहाँ पे CO, क्या बोला इसने, CO3+ फॉर्म्स बोथ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया इट फॉर्म CONH3 का होल 6+ एंड फ्लोरिन इट COF6-3- कॉम्प्लेक्स आइन। इसने दो कॉम्प्लेक्स दिए यहाँ पे, एक तो दिया है यहाँ पर CONH3 का होल 6, एक तो ये दिया है, और इसके ऊपर चार्ज कितना लगा रखा है यहाँ पे, 3+, और दूसरा कौन सा अपना, 3- वाला, दूसरा कौन सा, COF6-3-। ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। भाग यहाँ से, ये अपना कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये अपना कौन सा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये अपना कैटाइनिक और दूसरा कौन सा है आपका, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इन्हीं के आधार पर यहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं भैया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the above mentioned complex is inner orbital complex? भैया inner orbital complex पूछ लिया ना दोनों के बारे में, इसने दो कॉम्प्लेक्स दिए थे हमारे पास। पहला कॉम्प्लेक्स कौन था आपका यहाँ पे, CONH3 का होल 6, 3+, और दूसरा कौन सा था, हाँ दूसरा कौन सा था, COF6-3-। ये दो कॉम्प्लेक्सेस थे। देखिए भैया, विच ऑफ अबोव मेंशनड कॉम्प्लेक्स इज इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जहां पर आपके डी ऑर्बिटल बोले तो 3D ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे बॉन्डिंग के अंदर 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर आपका कॉम्प्लेक्स बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जहाँ पर आपके 4D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पर कौन सा होगा आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, D2SP3, और यहाँ पर इसका कितना होता है, SP3D2। दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। इतनी चीज़ हम जानते हैं, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो भैया, सब कुछ डिपेंड कर रहा है
किसके ऊपर? इन लिगेंड्स के ऊपर। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है। आपको ये भी पता होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होती है, पेयरिंग अकर होती है, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, आपको अपोज जो अपोज करता है हुंस रूल का। यहाँ पे क्या होती है, नॉट पेयरिंग, नॉट पेयरिंग, यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, दोनों के अंदर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना भैया, प्लस का 3। तो इसको एक बार रफ पेपर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, फाइट करते हैं यहाँ से और रफ पेपर मिल जाए हमें यहाँ पे कहीं, ये मिल गया रफ पेपर, मिल गया भैया, अरे इतना लंबा है, छोड़ो रफ पेपर लेते हैं एक बार, है ना। समझना चीज़ों को, मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस समझा रहा हूँ। पहले अपन लेते हैं यहाँ पर CO, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, बस देखते जाइए आप। NH3 का होल 6 और उसके बाद चार्ज कितना लगा हुआ है यहाँ पर 3+। इसी को देखते हैं बच्चा लोगों पहले तो, कि ये बोल क्या रहा है, सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस का 3। कितना आएगा भैया, प्लस का 3 आएगा, और प्लस का 3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन को मैंने एज ए नॉबल गैस कॉमन रखा, उसके बाद आपका 3D और उसके बाद 8 और उसके बाद होता है 4s2। क्या यही मिलता है मुझे, बिल्कुल यही मिलता है जब आपके यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कोबाल्ट आयरन कोबाल्ट सॉरी यहाँ पर होता है 7। इसको अरेंज करते हैं, गलती नहीं करने का नहीं है गलती। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ पर 3D कितना लिखना है 7 और 4s2 तो यहाँ पे जा चुका है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होंगे और 7 कहाँ से गायब होंगे, यहाँ से गायब होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनको गायब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ इनको, मैं कर दूँ गायब। अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब किए तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3d6 और 4s कितना बनेगा, 0। क्या इसके पास 4p भी है, हाँ बिल्कुल इसके पास 4d भी है, अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अकोमोडेट ग्रहण करने के लिए यहाँ पर 4d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल क्लियर। आप डी ऑर्बिटल की बात करोगे तो डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 आपके एक्सियल, 3 आपके नॉन एक्सियल और 2 आपके एक्सियल, dx/dyz, dzx, dx² - ky² और dz² ये ऑर्बिटल होते हैं। पी कितने होते हैं आपके पास, 3 ऑर्बिटल, px, py, pz और यहाँ पर अगेन आपका कौन सा 4d, कौन सा 4d, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये कौन सा बच्चा 4t। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, क्या करते हैं फिलिंग। फिलिंग में सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी, यहाँ पर पेयरिंग अकर होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैं पेयर की फॉर्म में डालता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। डी के यहाँ पर 2 ऑर्बिटल खाली रह चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, अमोनिया, अमोनिया का जो यहाँ पर लोन पीयर है इसके ऊपर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाता है, ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना NH3 का, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना NH3 का, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना NH3 का, चौथा कहाँ पे बना, यहाँ पर बना, पांचवा कहाँ पर बना, यहाँ पे, छठा कहाँ पे बना, यहाँ पे, सभी जगह पर कौन अटैच होगा आपका, NH3। NH3 सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की अनइक्वल शेयरिंग के कारण कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्या करा हमने यहाँ पर, इंटरमिक्सिंग की है, वैसे इंटरमिक्सिंग बाद में होती है लेकिन हमारे समझाने को देख रहे हैं तो इसलिए मैं पहले ही कर दिया हूँ, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स की क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होगी यहाँ पर, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद में क्या होने के बाद में, इंटरमिक्सिंग किस लिए की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल नहीं होना चाहिए ऑर्बिटल्स का, इसका एनर्जी लेवल कुछ डिफरेंट होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना, सभी के एनर्जी गैप को यहाँ पर सिमिलर करके चलना है, तो इंटरमिक्सिंग की हमें इसीलिए रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या बनेगा अपने पास, देखो यहाँ पर
दो तो काम आए हैं डी के, तो डी टू हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक एस का और पी के कितने आए हैं, पी एक्स, पी वाई और जेड, मतलब तीनों। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया आपका, ये आप देखो, ये इनर ऑर्बिटल था, थ्री डी कौन सा था आपका, इनर वाला, और ये कौन सा था आपका, आउटर वाला। तो आपका कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, आप बोलोगे सर ये वाला किया है, तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये कैसा आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी ठीक है, एक चीज़ ये हो चुकी है। दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपसे, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो एक साइड के अंदर लिख लो। किसकी लिख रहा हूँ मैं, सी ओ एन एच थ्री का होल सिक्स, और यहाँ पर बोला मैंने थ्री प्लस। इसकी कुछ बातें ये हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, डी टू एस पी थ्री। दूसरा, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो नेचर है वो कितना है, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ओके, तीसरी चीज, यहां पर ये ज्योमेट्री कौन सी फॉर्म करेगा, ऑक्टा हेड्रल, और इसका जो म्यूनेट होगा वो कितना होगा आपका, जीरो, कितना होगा, जीरो होगा। यही चीजें ध्यान रखनी है मुझे, और कुछ तो भी नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अपन यहां से इसको इरेज करते हैं और देखते हैं दूसरे वाले कंपाउंड को, जो आपका कौन सा है, सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस, उसको देखते हैं ना। और एक बात तो हम भूल ही गए, खैर एक बात ये भूल गए कि यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने सेकंड वाले को, जो क्या है आपका, सी ओ एन एच, सॉरी एन एच नहीं है, एफ सिक्स थ्री माइनस, एनानी कॉम्प्लेक्स है आपका। और इसके अंदर हम चीज़ें निकाल रहे हैं, कौन सी वाली, पहला चीज़ तो यहाँ पे आपका जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर वो प्लस का तीन होगा, और प्लस का तीन होगा तो थ्री डी सिक्स, फोर एस के जीरो, फोर पी के जीरो और फोर डी के जीरो। ऑर्बिटल को बनाना स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर, और ये आपका फाइव। यहाँ पर ये 4s बनाया, यहाँ पे मैंने 4p बनाया, और यहाँ पे बना रहा हूँ 4d। तीन चार पाँच बन गया, इन ऑर्बिटल का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी आप नादान हो, नादान हो। तो ये अपना कौन सा 3d, ये 4s, ये 4p, और ये कौन सा 4d। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब देखो, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है तो अपन पेयरिंग नहीं करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स होगी। अब यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा एफ माइनस के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, यहाँ पर नए ऑर्बिटल लेने चाहिए, बिल्कुल प्योर, कैसे चाहिए, प्योर ऑर्बिटल चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए, तो प्योर ही देंगे इन्हें भैया हम। एक तो यहाँ पर फ्लोरिन यहाँ पर हो गया, दूसरा फ्लोरीन कहाँ पे, यहाँ पे, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पर हो गया, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, और छठा कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे। अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग के द्वारा क्या बना है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा बताओ। एस का कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, इसी में मिक्स हो रहा है, एस का कितना कर रहा है, एक, पी के कितने कर रहे हैं, तीन, और डी के कितने कर रहे हैं, दो। अब की बार जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं वो फोर डी के, अगर फोर डी के किए हैं तो ये कौन सा होगा आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कोई भी यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, यहाँ पे जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आपके पास, चार, कितने हैं, चार। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर देख ली। अब हम जो क्वेश्चन पूछे हैं इसने, उसके तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इसने जो बोला है वो हमने निकाला भी है या फिर नहीं निकाला है। देखे भैया, ये अपना क्वेश्चन थे ये वाले, विच इज अबव मेंशन कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा होगा भैया,
तुरंत ही निशान लग जाएगा, कौन सा होगा बताओ, इनर कौन सा होगा? अरे अभी तो बताया था, हाँ जी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा? इसके अंदर होगा आपका CO NS3 का होल 6 और ये आपका 3+, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना है आपका D2SP3। दूसरा है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज फाउंड इन CONS3 का होल 6, ये भी बता दिया मैंने, कौन सा D2SP3। तीसरा देखो, व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ COF6-3-, कितना कैसा नेचर है इसका, पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू 4 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ COF6-3-, कैसी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, दोनों में कैसी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर ऑक्टाहेड्रल आपको ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, सिंपल मुझे यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर एक वो लेनी है इधर की साइड, बीच में उल्टा हो गया थोड़ा सा है ना, इसी से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ओके, तो सभी जगह पर कौन अटैच कर देना आपको यहाँ पे, फ्लोरीन, ऐसे ही फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करो और टोटल चार्ज कितना लगा देना अपन को, 3-, कितना लगा देना, 3-, क्योंकि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो आपको ऐसा भी दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस का 3 चार्ज कहाँ पे लगा दो, यहाँ पे, क्योंकि प्लस के 3 को कौन बैलेंस कर रहा है, माइनस का 3 बैलेंस कर रहा है। उसके बाद आगे, हाउ मेनी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम ऑफ, हाउ मेनी, कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया, 4, कितने हैं, 4, बस खत्म हो गया, और कुछ तो नहीं पूछा है इसने, बस इतना क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं भी अगर आप पेजेस को देखोगे यहाँ पर, तो कहीं भी ऐसी कोई लाइन दिख रही है आपको जो आपने डायरेक्ट उठाई हो और उससे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो, कोई भी नहीं है ना, तो इसमें बड़ी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य और हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरी तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारा औचित्य, हमारा जो मिशन, हमारा जो लक्ष्य है वो आपकी सफलता है, और सफलता के लिए हम पूरी तरीके से संघर्षरत हैं। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक जय हिंद।